11th फिजिक्स SHM के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और इसके तहत चार क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस के वीडियो बना के इसलिए आपके पास भेज रहा हूं कि आप में जज्बा आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन आपके द्वारा बड़ी आसानी से हो सकते हैं। दूसरा कारण, SHM कॉम्पिटिशन के हिसाब से जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी ही चाहिए और इसमें जितनी मेहनत हो सके, जितनी ताकत दिखा सके, आपको दिखा देनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ SHM। नाउ चार क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसका 49th क्वेश्चन। अब सबको नहीं पता होगा मैंने कौन से क्वेश्चन भेजे थे, इसलिए क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं यहां पर। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये 49th क्वेश्चन है। एक ब्लॉक रखा हुआ है, व्हील्स दिखा रखे हैं, एक स्प्रिंग यहां पे है और एक स्प्रिंग यहां पे, जैसे मैं दिखाई दे रहा है। और ये क्या है कि 3 kg का ब्लॉक बता रहा है और 600-600 फोर्स कांस्टेंट दे रहा है, 600 Nm/m, 600 Nm/m। ये तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब क्वेश्चन है, ए ट्रॉली ऑफ मास 3 kg एस ऑन इज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग, ईच ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 600 Nm/m। ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई 5 cm एंड रिलीज, 5 cm खींच के एक तरफ करके छोड़ दी गई, तो वापस ही आएगी ना। अब 5 cm से ज्यादा तो ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ। यानी कि एम्पलीट्यूड इज 5 cm या 5 × 10⁻²⁰ m इज गिवन। दैट फाइंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ एंसुइंग ऑस्किलेशन, टाइम पीरियड हैज टू बी फाइंड, टाइम पीरियड फर्स्ट पार्ट, टाइम पीरियड वी हैव इन स्प्रिंग ब्लॉक केस 2π√m/k एंड हेंस k1 एंड k2 फॉर्मूला। ये किधर भी चलेगा, जितना एक स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही दूसरा खुलेगा। इस केस में मैं बताया था k इज ऑब्टेंड बाय डायरेक्ट एडिंग k1+k2, सो k1+k2। यही बताता हूं, अगर दोनों पैरेलल में होते तब भी k1+k2, परंतु अगर एक स्प्रिंग उसके बाद दूसरा स्प्रिंग होता और तब ब्लॉक लटकता तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट निकलता 1/k करके, 1/k = 1/k1+1/k2। ओके, इन दिस केस k1+k2, सो 2π√3 kg और k1+k2 1200। ठीक है जी, किया जाएगा आपके पास 2 × 3.14 और 3×4 = 400 का 20 है 10 और 10 से डिवाइड करेंगे 0.314 सेकंड फर्स्ट पार्ट का। ओके, सिंपल, पार्ट फर्स्ट में पार्ट ए है, पार्ट बी मैं तो बता रहा हूं, आप तो देख सकते हो दोबारा उसको रिप्लाई करते। ये a = 5 cm वही दे देता हूं ऊपर ही, a = 5 cm जब पड़ेगी। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी प्यारे बच्चों, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली SHM हो रहा है और आपको डीप नॉलेज के साथ ये पता है कि जब जब मेन पोजीशन से क्रॉसिंग होती है स्पीड सर्वाधिक वहीं पे होती है जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा ए। जनरल फॉर्मूला
ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू जीरो एट मिन पोजिशन, वी बिकम्स मैक्सिमम ओमेगा ए, वी मैक्सिमम इज ओमेगा ए, मैक्सिमम स्पीड इट इज 2 पाई अपॉन टी इंटू ए, ए ऐसा लिख जाते हो और ये हो जाएगा आपके पास, या ओमेगा ही जानते हो 2 पाई अंडर रूट, अगर टी का यहीं पे रख दो अगर मैं सीधे नहीं जानते हो तो 2 पाई अंडर रूट एम कौन के, 2 पाई कर जाएगा अंडर रूट एम कौन के ऊपर पहुंच जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम ए, और के है के वन प्लस के टू इन दिस केस, अदरवाइज आप टाइम पीरियड भी शो कर सकते हैं आप, मतलब कई तरीके हैं करने, अगर आपको डीप नॉलेज है तो कई तरीके हैं करने के, आप ये ना करें इसलिए टी वैल्यू दीजिए ज्यादा बेहतर है, तो टाइम पीरियड निकालना है ना बहुत फायदा उठाओ उसको, 2 पाई अपॉन टी ये भी आपने निकाला पाई बाई टेन ऐसे डिवाइड में तो पाई छोड़ दो उसको जाएगा ना 0.314 और इंटू 5 इंटू 10 इज पावर माइनस 2, सो पाई कैंसिल और 2 5 10 इंटू 10 100 और 1/100 कैंसिल 1 मीटर पर सेकेंड, जब जब मीन पोजिशन से गुजरेगा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गुजरेगा। ओके पार्ट सी, हाउ मच इज द टोटल एनर्जी डिस्पेट एज हीट बाय द टाइम द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस, इतना वॉशिंग करता करता रुक जाएगा कितनी एनर्जी हीट में निकल जाएगी, अरे भाई जितनी भी एनर्जी उसमें स्टोर हो चुकी है सारी हीट एनर्जी में ही जाएगी, ठीक है कितनी हो चुकी है शुरू में देख लो कितनी स्टोर कर दी थी दबा के, बस हो जाएगा जब इसको 5 सेंटीमीटर दबा दिया तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी दबाओ के मारे और इसमें स्टोर होगी खिंचाओ के मारे, वो एनर्जी अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही होता और डैम्पिंग फोर्स ना होते तो ये एनर्जी कंजर्व रहती और सदियों काल तक ये ऑसिलेशन चलते रहते, पर डैम्पिंग फोर्स आ दे सो ये सारी एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी, सो पार्ट सी हीट एनर्जी डेवलप या रिलीज, देखिए इसको हाफ के एक्स स्क्वायर इतनी उसने भी होगी ट्वाइस कर दो वही के है वही डिस्प्लेसमेंट, सो 2 कैंसिल के एक्स स्क्वायर के, ध्यान देना एक स्प्रिंग के लिए सोच रहा हूं बस मैं उसका ट्वाइस किया है, ट्वाइस करने से पहले ये एक स्प्रिंग के लिए है तो 600 इंटू 5 × 10⁻²² का स्क्वायर जूल, मैं ये भी कर सकता था कि दोनों का एक ही मान लो तो फिर 1200 लेना पड़ता मुझे इसको K1 + K2, मैं या तो 600 वाले के दो से ऑसिलेशंस हो रहा है या 1200 वाले एक ही स्प्रिंग से हो रहा है उससे भी कर सकते हो, ठीक है तो 25 जाएगा 600 × 25 × 10⁻⁴, तो 25 का 75 125 और 1 2 1 2 0 और इंटू 10⁻⁴ तो 1 2 3 4 1.5 जूल एनर्जी कुल मिलाकर स्टोर हो चुकी थी जो कि सारी सारी हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी। ओके ये था प्यारे बच्चों 49th क्वेश्चन, आप में से किसी बच्चे ने पूछा था 51। इस टाइप के क्वेश्चन कर डालो बस है आसान, बिल्कुल आसान है। जैसा डायग्राम दिख रहा है मैं डायग्राम बनाता हूं पहले,
ये डायग्राम दिखा रखा है, और के इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर और 200 ग्राम का मतलब 0.2 केजी, ये दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है 200 ग्राम मास एज शोन इज पुश्ड टू लेफ्ट सच दैट स्प्रिंग कंप्रेशन 0.15 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, 0.15 मीटर कंप्रेस कर दिया इसको, इसको लेफ्ट की तरफ ऐसे दबाया कि स्प्रिंग इतना मीटर कंप्रेस हो गया। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज द मास शूट द राइट, विद व्हाट स्पीड द मास विल शूट अवे, देयर इज नो फ्रिक्शन नो मास ऑफ स्प्रिंग। अर्थात सिद्ध सी बात है, जो भी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो चुकी वो सारी उस ब्लॉक को करंट के रूप में मिल जाए, उसकी स्पीड निकालने की स्पीड से शूट आउट हो, यानी कि अगर ये शूट आउट बी स्पीड से होगा तो इतनी एनर्जी से जाएगा, और ये एनर्जी वही होगी जो इसमें हम दबा के दे चुके थे, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारी एनर्जी इस रूप में आ जाएगी और ये स्पीड उसको मिलेगी। दैट्स बिल्कुल सिंपल है, हाफ कैंसिल, वी हैज टू बी फाइंड, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, नीचे जाइए के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और गुणा भाग शुरू हो जाइए के इज 400 इंटू 0.15 का स्क्वायर अपॉन मास 0.2, तो इससे तो आप 5 गुणा कर लो बस, ये इसका मतलब 1/5 हुआ, तो 5 और 20 ये हो गया जी, और ये हो जाएगा 15 × 10^-2, तो 15 का तो हो गया 225 और 10^-2 का 10^-4, तो जी 250 × 2 हो गया, और 3 0 1 2 3 0 और 10^-4, तो 1 2 3 4 0 बढ़ जाएंगे 45 V square, ठीक है, तो V आ जाएगा √45 यानी 6.6 × 36 × 7 = 4.5 को पार कर जाएगा, और इसकी वैल्यू लगभग 6.7 के हेयर फेयर में मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये था जिनको आसान क्वेश्चन। इसके बाद इन दो क्वेश्चंस के बाद दो क्वेश्चन किसी कन्या ने मोबाइल में भेजे, वे दो क्वेश्चन कुछ पेंडुलम के हैं और आपके सामने आ जाने चाहिए, पहले मैं भी देख लेता हूँ। बालिका का नाम है मिस श्रेया बड़ोली। ये जो दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ये पूछा है मिस सुनिधि अधिकारी ने, और ये जो दो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये पूछा है श्रेया बड़ोनी ने। श्रेया बड़ोनी का पहला प्रश्न 22 हुआ, पता नहीं कौन सा बुक का, खाली दिखा रखी है। ग्रेविटी एट पोल्स एक्सीड्स ग्रेविटी एट इक्वेटर इन रेशियो 301:300। पोल पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है ना, तो पोल की ग्रेविटी और इक्वेटर लाइन की ग्रेविटी का रेशियो दे रखा है 301:300। पेंडुलम रेगुलेटेड फॉर पोल्स इज टेकन टू द इक्वेटर। पोल्स पे काम कर रहा था वो ठीक ठाक सा, उसे इक्वेटर पे ले आया, कैलकुलेट द हाउ मेनी सेकंड्स ए डे इट विल गेन और लॉस। इक्वेटर पे लाने पे टाइम लॉस होगा या गेन होगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। इक्वेटर पे लाने से जी कम हो जाएगा लिहाजा टी बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा एक ऑसिलेशन से, यानी धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो टाइम का लॉस हो जाएगा,
ओके। तो ऐसा कर लीजिए, टी पोल्स तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एट पोल्स, टाइम पीरियड एट इक्वेटर लाइन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एट इक्वेटर लाइन, लंबाई तो वही रहनी है जब इक्वेटर पर चेक पोल करें। सो इक्वेटर में निकालना तो इसमें इसका डिवाइडर, therefore t equator upon t poles 2 by 2 कैंसिल, अंडर रूट l कैंसिल, तो t e वाला ये अपॉन बच जाएगा g e, और p वाला ऊपर पहुंच जाएगा g, और ये दे रखा है पोल पे 301 और 300 का रेशियो दे रखा है। ओके, आपको पता लगाना कितना सेकंड डिले हो जाएगा, कितना सेकंड डिले हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, पहले इसको सही कर लो, इसको पावर हाफ लिख दो अंडर रूट को, और 301 बटा 300 को लिख दो, आपको निकालना टी ई, ई पे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, 1 प्लस 1 बटा 300 ठीक है, और इज इक्वल टू 1 प्लस इसकी इंटू जाती सीधे बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1.2 इंटू 1 बटा 300 प्लस आगे जो 1.300 का स्क्वायर आएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, नेगेट कर दोगे इसको, और यहां पे आप इस 1 को देख लेंगे टी ई अपॉन टी पी माइनस 1, अब वहां बचता है 1 बटा 600 ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख देना इग्नोरिंग द हायर सेकंड एंड हायर पावर्स ऑफ 1.300 नेगेटिव कर देंगे। यहां क्यों रहा है, क्योंकि तभी टी ई माइनस टी पी आएगा अपॉन टी इज 1 बटा 600, ये निकालना है, ये डिफरेंस पड़ा इक्वेटर पर टाइम पीरियड और पोल पर टाइम पीरियड, पर पूरे दिन की बात कर रहा है। देखिए ये जो डिफरेंस आया, ये जो डेल्टा टी डिफरेंस आया, ये तब आया अगर इतना टाइम पीरियड लग रहा था पोल्स पे, अगर इतना टाइम पीरियड पोल्स पे काम कर रहा था पेंडुलम, तो इक्वेटर लाइन पे आ जाने पे इतना फर्क पड़ जाएगा टाइम पीरियड में। तो अगर 1 सेकंड की बात होती, 1 सेकंड को देखते हुए इतना फर्क पड़ रहा, और हमें पूरे दिन में कितना फर्क पड़ा ये निकालना। दिस अपॉन टीपी, चेंज अपॉन टीपी, ये 1 सेकंड को देखते हुए फर्क था, सो पूरे दिन में कितना फर्क हो गया इजिली कैलकुलेट। दिस इज द टाइम डिले फॉर 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड वहां बीतना था तो यहां पे इतना फर्क पड़ रहा, सो टाइम डिले, ये इतना पोर्शन दिखाई दे रहा आपको कैमरे में, हाँ दिख रहा है, टाइम डिले इन 1 डे इज इक्वल, ये टी ई माइनस टी पी इतना फर्क पड़ा अपॉन टी पी 1 सेकंड के लिए, तो पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकंड, यानी पूरे दिन भर में इतने सेकंड का प्रभाव पड़ जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, टाइम का लॉस हो जाएगा, और ये निकाल सके 1 बटा 600 और इंटू 24 इंटू 3600, ओके ये देख लो दोबारा, सिक्स जा और 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 13 14, इतना टाइम डिले या इतना लॉस, 144 सेकंड का लॉस हो जाएगा ठीक है।
और श्रेया बड़ोनी का ही अंतिम क्वेश्चन और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन। ए 40 seconds पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ओके, लॉसेस 5 सेकंड इन अ डे, एक दिन में 5 सेकंड लॉस हो रहा है, सुस्त चल रही है घड़ी, तो तेज तेज चले तो लंबाई से कम करनी पड़ेगी। हाउ मच बाई हाउ मच इट्स लेंथ बी डिक्रीज टू कीप करेक्ट टाइम, कितनी लंबाई ऐसी कम करनी चाहिए कि सही टाइम बताए। ट्वेंटी थर्ड फॉर्मूला पेंडुलम के, टी पाई रूट टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये भी कांस्टेंट है, यहां भी ये भी कांस्टेंट है, इसको संतुलित एल की लंबाई कम ज्यादा ये करना, सो डेल्टा टी अपॉन टी इज जो पावर होती है वो आगे जाती है इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। ये और एक बात और बता दूं, फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। ओके, इसका ध्यान, तो जब ये 2 सेकंड हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दे 1 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, और पाई स्क्वायर और जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, सो एल ऑलमोस्ट 1 मीटर। ठीक है, सो डेल्टा टी कितना फर्क पड़ रहा है, 5 सेकंड का, परंतु 5 सेकंड का एक दिन में पड़ रहा है, 5 सेकंड प्रभाव एक दिन में पड़ रहा है। ठीक है, एक दिन के हिसाब से कैसे करोगे, डेल्टा निकालना है तो आप ये लगा लो कि टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो 2 सेकंड को देखते हुए डेल्टा टी 5 सेकंड फर्क पड़ रहा है पूरे 24 घंटे में, यानी कि 24 × 1 सेकंड को देखते हुए, तो 2 सेकंड को देखते हुए इतना इतना प्रभाव पड़ रहा है पूरे दिन भर के लिए 5 सेकंड, तो टी के लिए इतना जाएगा। अगर 2 24 घंटे होते हैं फिर तो 5 सेकंड है, पर अगर केवल 2 ही सेकंड वाली बात है तो 2 सेकंड के लिए ये 5 सेकंड तो पूरे 24 घंटे के लिए था, यानी कि इतने सारे सेकंड के लिए था, तो पर सेकंड के लिए आ गया और फिर 2 सेकंड के लिए आ गया, तो 2 सेकंड को देखते हैं कितना टाइम डिले हो रहा था, ये निकाल दो और हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन ऑलमोस्ट 1 मीटर, अपॉन टू कैंसिल कर दीजिए, सो डेल्टा एल इक्वल टू 5 × 10 से 1 जीरो कट जाएगी, 1/24 × 360 मीटर। ओके, और इसको आप ऐसा कर लें, 100 से इंटू करके 24 × 360 सेंटीमीटर, पर 1 जीरो भी काट दीजिए, और जितना कटा उतना काट दो, 5 और 12, ठीक है, ये आ गया 5 × 5 = 72 7 × 36 = 43। ओके, 36 × 72 = 7 × 36 = 43। ठीक है, और इसमें डिवाइड देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से 0.01 यहां पे जाएगा, 432, और बच जाएगा मेरे ख्याल से 68 और 600 उतरेगी, तभी 2 बार नहीं जाएगा, तभी 1 बार ही जाएगा, इतना सेंटीमीटर
लंबाई कम कर देनी पड़ेगी। ओके क्वेश्चन सारे होंगे जब आप बेसिक पॉइंट्स को लेके अपना सातिर दिमाग दौड़ाओगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी। आप एसएसएम के क्वेश्चन खतरनाक अंदाज में स्टार्ट कर, ठीक है, प्रॉब्लम्स मुझे भेजते रहें, उसकी पिक सॉल्यूशन में भेजता रहूंगा, और अगर कुछ ऐसा दिखाई दिया तो इसी प्रकार की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। आप अपने हिसाब से तो तैयार हो, जब अपने हिसाब से तैयार हो जाओगे तो बहुत ही कम समस्याएं आएंगी, वो भी टैलेंटेड, बहुत ही एक हाई लेवल के क्वेश्चन ही पूछोगे फिर यहां पे, कि छोटे मोटे तो आप बड़े आराम से कर ही लोगे, स्टार्ट हो जाएगा बस। ओके।